हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो गाइस, आज की वीडियो जो है वो उस कंटेंट के बारे में है जो कि सबका ऑल टाइम फेवरेट रहता है, और वो है मॉडिफिकेशंस। यस, तो आज की वीडियो जो है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ R15 V3 यामाहा। तो सिंपल सी मॉडिफिकेशन हमने करी हुई है, एज ऑलवेज हम एकदम सिंपल सी मॉडिफिकेशन आपको करके दिखाते हैं, सो दैट आप उसको इजीली आप कर पाओ घर पे या फिर अपने आसपास के कोई भी बाइकर स्टोर पे जाके। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले एंजॉय करो बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स। बाइक जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम सी लग रही है, हॉट सी लग रही है यार। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा पसंद वाली बाइक है R15 V3। मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, बट जैसी स्टॉक आती है उसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए इसमें हमने थोड़े से मॉडिफिकेशन करे हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं, ये आगे आपको विंगलेट दिखाते हैं। तो विंगलेट से काफ़ी ज़्यादा लुक जो होती है वो इन्हांस हो जाती है, और इसके साथ हमने ये इंस्टॉल करा है ऊपर डबल बबल वाइजर। तो इसके साथ क्या रहता है कि जब भी आप बाइक चलाते हो तो आपको विंड ब्लास्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम आपके फेस पे आता है, सो आप इजीली राइड कर सकते हो, हाई स्पीड पे राइड कर सकते हो। तो इस वाइजर की काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो मार्केट में आपको सिंगल बबल वाइजर भी मिल जाएगा, बट डबल बबल वाइजर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और बाइक पर भी काफ़ी तगड़ी वाली MotoGP वाली लुक आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका वाइजर, तो काफी ज्यादा तगड़ी यार, एकदम सुपर बाइक वाली लुक इसकी आती है। और उसके साथ साथ हमने इंस्टॉल करा है इस पे ये मोबाइल होल्डर प्लस चार्जर, तो लॉन्ग राइड के दौरान इस पे GPS लोकेशन देख सकते हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और उसके साथ हमने लगाए हैं इस पे ये फ्रेम स्लाइडर्स, तो ये आपको मार्केट में इजीली कहीं भी मिल जाएंगे, कोई भी मोटरसाइकिल स्टोर पे आप इसको ले सकते हो। वेल, हमने तो ये मंगवाए थे थाईलैंड से, कोई अपने रिलेटिव्स आ रहे थे तो उनके ज़रिए हमने मंगवाया था, और ये हमें थोड़े महंगे पड़े थे, इसकी कॉस्ट नियर बाय 5,500 की पड़ी थी। तो अगर आप लेते हो यहाँ से तो यार आपको मे बी सस्ते में भी मिल सकते हैं, 3-4 हज़ार रुपये के आपको ये इजीली मिल जाएंगे, तो ये थोड़े इम्पोर्टेड है तो यार समझ सकते हो। और उसके साथ ये टैंक पे टैंक ग्रिप्स हमने लगवाए हुए हैं, और उसके साथ हमने ये इस पे लगाए हैं ये इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स जो हैं ये ड्यूक में आते हैं, बट ड्यूक के जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, पर हमने जो लगाए हैं ये एकदम फ्लेक्सिबल है, भगवान ना करे अगर छोटा मोटा फॉल होता है तो ये नहीं टूटने वाले, और इनकी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और रात के टाइम पर तो इतनी चमक दमक होती है कि मैं क्या बताऊँ। उसके साथ हमने लगाए हैं बाइक पे फ्लैशर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी बढ़ाते हैं, और बाइक पे ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है, यूनिक भी लगती है और सेफ भी है। काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 10-14 पैटर्न्स इसमें आपको मिल जाते हैं, मे बी ज़्यादा होंगे, मैंने पूरे ट्राई नहीं करे हैं। और इसके बाद जो सबसे यूनिक लुक है बॉस, वो है इसकी टेल टाइडी जो कि हमने हटाई है, और इसके अंदर हमने टेल टाइडी जो लगाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, यूनिक और छोटी सी है, और इसके साथ बाइक की लुक एकदम, मतलब टेल टाइडी लगाते ही आपकी बाइक बन जाती है जस्ट लाइक अ न्यू सुपर बाइक। और इसका जो टायर है, टायर हमने इसमें 150 इंस्टॉल कराया, जस्ट अभी 2 दिन पहले ही इसको लगाया, तो ये हमें कॉस्ट करा था MRF का रिप सीरीज 4000 का। इसके साथ ही बाइक आपकी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक आती है यार, सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। तो बस ये थोड़े से मॉडिफिकेशन करने से आपकी बाइक यूनिक लगने लगेगी और एकदम मस्त दिखेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा इसके ऊपर एक ऑसम साल सुपर लाउड एग्जॉस्ट, और वो कौन सा होगा वो आपको लग जाएगा पता नेक्स्ट वीडियो में, और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें कौन सा एग्जॉस्ट अच्छा लगेगा और हमें कौन सा डालना चाहिए। तो यार वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, विद दैट सेड गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बाइक अच्छी लगी होगी। यार अगर बाइक अच्छी लगी होगी तो आप
ज़रूर लाइक कीजिए, और हम इस पर कुछ और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं तो वो हमें आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए। सो विद दैट सेड गाइस, थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। दिस इज अंजू साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।